तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज टाटा पावर की तो स्टॉक बेहतरीन रिज़ल्ट दे करके आगे भी आ चुका है और बहुत ही शानदार रिजल्ट्स इनके भी रहे हैं अडानी पावर के रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहे हैं अडानी पावर भी बहुत आगे निकल चुका है तभी उस पर एक क्योंकि कोई भी स्टॉक अगर आगे निकल जाता है तो उसको चेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो हम बात करते हैं टाटा पावर की जो अभी तक हमें बहुत पोटेंशियल रखता है आगे पैसा कमाने के लिए आगे रिजल्ट देने के लिए तो दोस्तों सबसे अच्छा पॉइंट पहला मैं आपसे रिकवर करूंगा कि टाटा पावर को जो रेटिंग मिली है वो बाय की मिली है ब्रोकरेज की तरफ से ट्वेंटी परसेंट अपसाइड की दूसरा पॉइंट सर मैं आप लोगों से क्लियर करना चाहूँगा कि ब्रोकरेज एम सिक्योरिटीज़ बिलीव्स करते हैं टाटा महावर इज़ टू बेस्ट प्लेस टू बेनिफिट फ्राम इंडिया पुष्ट टू इनक्रीज आरी कैपेसिटी टू फाइव हंड्रेड गीगा वाइट बाइट टू थाउजेंड थर्टी मतलब टाटा पावर में एम आई बी सिक्योरिटी विश्वास रखते हैं कि इंडिया पुश कर रहा है अपनी कैपासिटी को जो पाँच सौ गीगा बाइट की दो हजार तीस तक वो पहुँच जाएंगे और ये बहुत बड़ा शानदार रिजल्ट एक बना के देगा इस स्टॉक को अगर ऐसा होता है देर आर मल्टीपल्स कैटालाइज फ्रॉम आ री एसिड वैल्यू अनलॉकिंग सेल ऑफ नॉन कोर एसिड टैरिफ रेजोल्यूशन एंड टैक्स बेनिफिट फ्रॉम मर्जर मुंद्रा एसेड इन द स्टैंड अलोन एन टी टी एंड न्यू रिन्यूबल तो डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्ट्रैक्ट इसके पास लगातार आ रहे हैं ये सारे के सारे अनलॉकिंग सेल ऑफ नॉन कोर एसेड टैरिफ रेजोलूशन टैक्स बेनिफिट गवर्नमेंट का फुल ऑफ स्पॉट है टाटा पावर को और ये सारे ही बेनिफिट टाटा पावर को होने वाले हैं तो बात करते हैं कि टाटा पावर की बाय रेटिंग एस की बेस टारगेट प्राइस तीन सौ रुपये रखा गया है कि अभी तक ये स्टॉक आपको तीन सौ रुपये ईजिली दिख सकता है और इसकी ट्वेंटी परसेंट पोटेंशल इस करंट लेवल से अभी स्टॉक में है और इस स्टॉक ने मल्टीबैगर स्टॉक का नाम इसको दे दिया गया है क्योंकि डेढ़ सौ परसेंट इन एयर इसने रैली दिखाई है और उसके बाद आप देखना चाहोगे कि टाटा पावर इज ट्रांसफॉर्मिंग इट सेल्फ इंटू ए आरी यूटिलिटी टारगेटिंग सिक्सटी परसेंट शेयर ऑफ क्लीन एनर्जी बाय टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव एंड एटी परसेंट बाय टू थाउजेंड थर्टी मतलब कि टाटा पावर जो अपना अलग अलग फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं डे टू डे जो बिजली कंज्यूम्ड हो रही है जो 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 इस इनका टारगेट है वो 60 परसेंट क्लीन एनर्जी के अंदर 2025 तक इन्होंने अपना सारा फैला देना है काम को और 80 परसेंट दो तक इनका जो प्लान है वो आ यूटिलिटी टारगेटिंग कर पाएंगे और उसके बाद आप देख पा रहे हो डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेटेशन ऑपरचुनिटी आई पी सोलर मार्केट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग गवर्नमेंट सब्सिडीज ऑन सोलर पंप्स एंड सोलर रूफ्स तो सर इनको हर एक तरह की गवर्नमेंट की सब्सिडी मिल रही है दूसरा अगर आप यहाँ पर तो बहुत कम मतलब आई मीन टू से कि दिल्ली और नोएडा में आपने देखा होगा कि चार्जिंग स्टेशन इनके बहुत बढ़िया चल रहे हैं और तीसरा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग है ना सब्सिडी सोलर सिस्टम और सोलर रूफ्स हर फील्ड में ये अपना काम बहुत स्पीड से फैला रहे हैं और टाटा पावर का बिजनेस वाकई में ही शानदार है लाइक पीछे रिन्यूएबल एनर्जी के भी आपने रिजल्ट्स देखे होंगे और नहीं एक्स्ट्रा और नई रिजल्ट इन्होंने बनाए हैं और बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट शानदार इनके दिखे हैं और उससे बाद बात करूँगा 2025 से लेकर 2030 तक प्लेज ऑफ कार्बन नेचुरल स्टेटस बिफोर 2050 एंड 2026 तक वाटर नेचुरल एंड जीरो वेस्ट ऑफ लैंड मतलब क्या ही बात है शानदार इन्होंने जो रेकोमेंडेशन करी है जो ब्रोकरेज ने अनुमान लगाया है जो ब्रोकरेज का कहना है तो बहुत ही शानदार रिज़ल्ट आने वाले टाइम में ये लेकर के आएंगे दूसरा पॉइंट आप देख पा रहे हो कि दी फोकस विल बी पावर ऑन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पूरा का पूरा फोकस दे रहे हैं पावर ट्रांसमिशन पे और डिस्ट्रीब्यूशन में अपना काम फैला रहे हैं आर ओ ई एंड अप साइड लोअर ए टी सी एंड लोसिस और इंडियाज नंबर वन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी विद ट्वेल्व पॉइंट थ्री मिलियन कस्टमर बहुत बड़ी बात होती है साढ़े बारह मिलियन कस्टमर अपने साथ जोड़ना डिस्ट्रीब्यूट रखना और इंडिया का पहला नंबर डिस्ट्रीब्यूट कंपनी बनना और बहुत ही अच्छा रिसेंट फंड रेजिंग अनाउंसमेंट रिन्यूएबल में बहुत अच्छा इनका बिजनेस चल रहा है फोर्टी मिलियंस फॉर अबाउट दस परसेंट स्टेक इन्होंने लिया हुआ है और इम्प्रूविंग बिजनेस डायमिक एम आई बी की सिक्योरिटी की ओर से बहुत अच्छा रेकोमेंडेशन स्टॉक का मिला है और मैं आप लोगों को एक पॉइंट और क्लियर करना चाहूँगा आप लोग देख पा रहे हो इनकी सेल्स हम देख रहे हैं और इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख पा रहे हैं इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख पा रहे हैं और सबसे एंड पे नीचे नेट प्रॉफिट हम देख पा रहे हैं मार्च 2000 दिसंबर 2020 मार्च 2021 जून 2021 सितंबर 2021 दिसंबर 2021 तो काफी शानदार रिजल्ट इनके रहे हैं अपनी ओर से तो बेहद अच्छा रिजल्ट ये कायम कर रहे हैं और मेरे को लगता है स्टॉक बहुत बढ़िया जाने वाला है मैं तो इस स्टॉक को जरूर बाय करने वाला हूँ और इसके बाद कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी कोई माइनस में नहीं चल रही है 2019 से लेकर 2021 तक कंपनी ने अपने को डबल ग्रोथ दी है मार्च 2019 में उन्नीस आठ करोड़ का कर्ज नेट फ्लो रहा था और लेकिन आज अठारह करोड़ रुपये प्लस पॉइंट में ये कैश फ्लो दिखा रहा है और मैं बात करूंगा कि टाटा पावर पिछले एक महीने से जब से 296 के नियर अबाउट ये पहुंचा था तो इसमें कुछ लाइक आपको पता है कि बहुत मतलब पॉजिटिव बुकिंग आ गई थी प्रॉफिट बुकिंग आ गई थी और ये स्टॉक पिछले एक महीने से 240 से 256 में ही घूम रहा है कंसोलिडेशन कर रहा है जिसकी वजह से स्टॉक आगे नहीं बढ़ रहा लेकिन उसके पीछे एक और भी रीज़न है मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आज से एक महीना पहले इसकी एवरेज जो वॉल्यूम थी डिलीवरी वॉल्यूम थी वॉल्यूम थी तो छः करोड़ की थी लेकिन टूडे अब की ओर से वॉल्यूम इसकी तीन करोड़ तक रह गई है दो करोड़ तक रह गई है जिसकी वजह से स्टॉक के अंदर अपसाइड मूवमेंट नहीं बन पा रहा है तो दोस्तों कुछ लोग बात कर रहे थे कि टारगेट क्या है इसका ट्रेडिंग के व्यू से क्या टारगेट है वो मैं आपको बताना चाहूँगा और डिलीवरी के सी क्या टारगेट है तो आप लोग देख पा रहे हो सबसे पहले अगर ये दो सौ बासठ आर टू आर थ्री अगर दो सौ अठवा अठावन और दो सौ बासठ दो सौ पैंसठ से छासठ से ऊपर की क्लोजिंग अगर ये स्टॉक देता है तो बेहद ही शानदार स्टॉक आपको तीन सौ रुपये जाता नज़र आ जाएगा और बेहद ही खूबसूरत स्टॉक के रिजल्ट आपको मिलेंगे और आपने बिल्कुल लेवल्स का ध्यान देना है और अगर ये स्टॉक एस टू एस थ्री एस दो सौ तैतीस दो सौ पच्चीस में भी आता है तो ट्रेडिंग व्यू से ये आपका बहुत टारगेट है आपको ट्रेडिंग व्यू से स्पोर्ट है रेजिडेंट है तो आप इन पर फोकस कर सकते हैं और अपना ईजली बाहर निकल सकते हैं और प्रॉफिट ले भी आ सकते हैं तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा लाइक कॉमेंट ना करना भूलें चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी डेली शानदार वीडियोज़ के लिए थैंक यू सो मच